मोमिनीन कराम वाकिफ़ हैं कि इबादत खाने हुसैनी की तामीर नौ का आगाज़ हो गया, और जब से तामीर नौ का आगाज़ हुआ अखबारी हजरात की ये कोशिश है कि इस तामीर नौ को रोका जाए। इसके लिए कमेटी के अहदेदारों को धमकियाँ दी जा रही हैं कि काम को रोका जाए। इसके लिए GHMC को फरीक बनाकर हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई कि तामीर नौ को रुकवाया जाए। इनके इस अमल से ये बात समझ में आ रही है कि इन हजरात का ऐन मकसद पंज वक्ता नमाज, नमाज ईदैन, आमाल नीमे शाबान और शब कद्र को और सालाना मजालिस और महाफिल को रोका जाए। अखबारी हजरात ने कमेटी इबादत खाने हुसैनी पर जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं, कमेटी इन इल्ज़ाम के जवाब दे रही है। पहला इल्ज़ाम, तामीर नौ इबादत खाने हुसैनी गैर क़ानूनी है, ये कहकर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है कि बल्दिया इस तामीर को रुकवा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अखबारी हजरात का यह इल्ज़ाम कि इबादत खाने हुसैनी की तामीर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है, सरासर झूठ और बेबुनियाद है। इबादत खाना कमेटी ने सारे रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स जैसे कि GHMC और वक्फ बोर्ड से परमिशन लेकर ही काम स्टार्ट किया है। हैरत की बात यह है कि ये लोग अपने घर तो बिना परमिशंस और इल्लीगल डिवेशंस के साथ बनाते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इबादत खाने में सारी लीगैलिटी एनफोर्स किया जाए। कमेटी इबादत खाने हुसैनी ने इबादत खाने हुसैनी का नाम बदल दिया है। हैदराबाद के मोमिनीन इबादत खाने हुसैनी को हमेशा से ही एक मस्जिद की तरह जानते आए हैं, और यही वजह है कि वो जब भी इबादत खाने का तस्करा करते हैं तो उसे एक मस्जिद की तरह रेफर करते हैं। इसी बात का फ्रस्ट्रेशन अखबारी हजरात कमेटी पर निकाल रहे हैं ये कहकर कि कमेटी उसका नाम बदल रही है। ये बात साफ है कि अगर नाम को तब्दील करना हो तो एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा वक्फ बोर्ड को और गजट में चेंज करना पड़ेगा। मैं चैलेंज करता हूँ अखबारी हजरात को कि वो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा दे जिसमें कमेटी या किसी कमेटी के मेंबर ने ये एप्लीकेशन दिया हो कि इबादत खाने हुसैनी का नाम चेंज किया जाए। अखबारी हजरात का ये जो शुबा है शायद ये देखकर हुआ है कि एक डॉक्यूमेंट जो प्लान सैंक्शन प्लान अप्रूवल कहते हैं उस पर वक्फ बोर्ड ने मस्जिद का वर्ड इजाफा किया है, लेकिन ऐसा करने से नाम तब्दील नहीं होता है। नाम तब्दील करने के लिए एक एक्सप्लिसिट एप्लीकेशन डालना पड़ता है और ऐसा कोई एप्लीकेशन दाखिल नहीं किया गया है। कमेटी इबादत खाने हुसैनी मंशाए वक्फ को बदल दिया है। इबादत खाने हुसैनी का ओरिजिनल मंशाए वक्फ जो उसके ओरिजिनल हिस्से पे लागू होता है, ना उसे कोई चेंज करना चाहता है, ना वो चेंज हो सकता है, और ना ही शरीयत इस बात की इजाज़त देती है। अलबत्ता नई ज़मीन जो ली गई है उसका मंशा वक्फ सेट करने का डोनर को पूरा इख्तियार है, और उन्होंने ये तय किया है कि उसके एक हिस्से में मस्जिद कहलाया जाएगा और दूसरे हिस्से को आशुरखाना, और ये सारा हिस्सा ओरिजिनल इबादत खाने में मर्ज किया गया है। जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम ओरिजिनल इबादत खाने का मंशा वक्फ चेंज करना चाहते हैं, वो कोई एक डॉक्यूमेंट दिखा दे जिसमें हमने एप्लीकेशन दी है या ये बात की है कि हम उसका मंशा वक्फ चेंज करेंगे। इबादत खाने हुसैनी की तामीर नौ के बाद मजालिस और महाफिल के इनेकाद से मोमिनीन को रोक दिया जाएगा। क्या ये सोचा भी जा सकता है कि इबादत खाना जो हैदराबाद में आज़ादारी का मरकज़ है वहाँ कभी आज़ादारी या मजलिस या मातम या अलम मुबारक को रोका जा सकता है? बल्कि एक आलीशान हॉल के बनने के बाद वह आज़ादारी और बेहतरीन तरीके से होगी। यही नहीं, नई इमारत के एक गोशे में हम ज़री और करबला के तबरुकात परमानेंटली इस्तात करेंगे। इबादत खाने हुसैनी को जो ज़मीन बरादर मोमिन की जानिब से बतौर तोहफा दी गई है उसे वक्फ नहीं किया जाएगा। वो ज़मीन जिसे ख़रीद कर उस पर एक हॉल कंस्ट्रक्ट कर दिया गया हो और ये हॉल को इबादत खाने के मेन हॉल से मर्ज कर दिया गया हो, ये भला डोनर के क्या काम आ सकती है सिवाय इसके कि इसे वक्फ कर दिया जाए और इबादत खाने से मिला दिया जाए।
वो लोग जो ख़ुद तो किसी तरीके से इबादत खाने के कंस्ट्रक्शन में हिस्सा नहीं लिए, लेकिन डोनर से इस 600 गज ज़मीन के बारे में सवाल करते हैं, उनको बता दूं कि शरई तौर पे ये ज़मीन वक्फ हो चुकी है और वक्फ बोर्ड में इसकी कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। इबादत खाने हुसैनी की मौजूदा कमेटी गैर कानूनी है। अखबारी हजरात उस कमेटी को इलीगल बताते हैं जिससे वो सालों से परमिशन लेते आए हैं मजालिसों के लिए। यही वो कमेटी है जिस पर उन्होंने कई केसेस किए और हारे भी है। इबादत खाना कमेटी का वजूद उस वक्त से है जब से इबादत खाना वक्फ बोर्ड में रजिस्टर हुआ है। वक्फ बोर्ड हम ही से डील करता है, हम ही से रकम वसूल करता है और परमिशन भी हम ही को देता है कंस्ट्रक्शन की। अखबारी हजरात, मैनेजिंग कमेटी और तौलियत कमेटी इन अल्फाज को लेके उलझे हुए हैं। दरअसल ये एक ही नाम है लेकिन दो अलग अलग लैंग्वेजेस में। आखिर में मैं यही कहूँगा कि मुहर्रम को सिर्फ 4 महीने रह गए हैं। अखबारियों से मेरी ये अपील है कि वहाँ की मजालिस ना रुकाएं, शहजादी कौनैन को नाराज़ ना करें, क्योंकि जिसने शहजादी को नाराज़ किया उसने रसूल को नाराज़ किया और जिसने रसूल को नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ किया। तारीख गवाह है कि जिसने भी आज़ादारी को रोका है वो इसी दुनिया में जलील हुआ है। मोमिनीन हैदराबाद ने मुखालिफिन की इस मज़मूम हरकत की बेइंतहा मज़म्मत की है और इनका कहना यह कि अगर आपको कमेटी के किसी काम पर, मसलन मंशाए वक्फ पर या नाम पर या किसी और पर एतराज़ होता तो आप ख़ुद कमेटी से रुजू होते, बजाय इसके कि तामीर नौ को रुकवाया जाए जो सरासर गलत है। इबादत खाना हुसैनी, जिसे उर्फ़-ए-आम में इबादत खाना कहा जाता है, हैदराबाद में अस्नाशरी शियों का मरकज़ रहा है। गुज़िश्ता तकरीबन एक सदी से मोमिनीन इकराम का यह मरकज़ अपनी अहमियत का हामिल है, जिससे हर तबके और हर शोबे के अफराद के खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। दुनिया के जिस गोशे में भी हैदराबाद के मोमिनीन आबाद हों, जब कभी इबादत खाने का जिक्र छिड़ जाए तो नहायत खुशी और मसरत के साथ अपनी वाबस्तगी का जिक्र करते हैं। साल भर में नमाज पंजगाना के अलावा तकरीबन 1000 मजालिस और महाफिल जश्न यहाँ मुनक़द होते हैं। इबादत खाना हुसैनी की साबिका इमारत में कई सहूलतें मौजूद नहीं थी, मसलन नमाज ईदैन तकरीबन 4-5 जमातें हुआ करती थी। अय्याम अज़ा में मरकज़ी मजालिस के लिए सामने से गुजरने वाले रास्ते को बंद करना पड़ता था जिससे अवामुन नास को दुश्वारी होती थी। तबरुक के तैयार करने और खिलाने के लिए जगह नहीं थी। नई इमारत में तकरीबन 1700 मोमिनीन एक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। तकरीबन 3500 मोमिनीन के बैठने की गुंजाइश फराहम की गई है। 10,000 स्क्वायर फीट पर कुशादा हाल है। छत की ऊंचाई 32 फीट रखी गई है। तकरीबन 1400 खवातीन के बैठने की गुंजाइश फराहम की गई है और ये हाल 4300 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल रहेगा। सेलार में तकरीबन 28 मोटर गाड़ी, कसीर तदाद में मोटरसाइकिल पार्क करने की गुंजाइश रहेगी। एक किचन हाल, तबरुक खिलाने के लिए एक हाल और एक मजहबी लाइब्रेरी तामीर की जा रही है। मोमिन कराम से उहदेदारान कमेटी दुआ की अपील करती है। दुआ फरमाएं कि परवरदिगार बतुफैले चहरदा मासूमीन, इबादत खाने हुसैनी की तामीर नौ जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए, जो रुकावटें डाली जा रही हैं खत्म हो जाए। आमीन। इंशाअल्लाह आइंदा मुहर्रम के तमाम मजालिस और इसके बाद महाफिल का नई इमारत में अहतमाम किया जा सके। ये अपील भी है कि तामीर नौ में ज़्यादा से ज़्यादा दामे दिरमे सुखने कमेटी से ताउन फरमाएं। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट पर, जिसका नाम इबादतखाना.com है, हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊंगा कि ये एक इबादत खाना कितनों के नाम पर है। ये लोग नहीं जानते कि मैंने क्या क्या प्रूफ जमा किए हैं जी। इधर आइए बेटा, कोई ये कहा हो कि इधर
देखिए इसमें गजरेट निकालो, इसमें से गजरेट निकालो। ये देखिए ये तेलंगाना स्टेट बोर्ड की जानिब से एक ऑर्डर निकला है जो इबादत खाना कमेटी को दिया गया है। इस ऑर्डर में रेफरेंस है गजट का, जो गजट नंबर 11-A डेटेड 16/3/1989 एट सीरियल नंबर 100, इसका हवाला दिया गया है। गजट नंबर दीजिए, गजट दीजिए, ये क्या है गजट, ये देखें गजट है, ये गजट, इसका सीरियल नंबर 100 जी, जिस पर लिखा हुआ है कि नेचर ऑफ ये वक्फ सुन्नी और शिया इबादत खाना, नेम ऑफ नेम, नाम क्या है, इसमें लिखा है इबादत खाने हुसैनी, ये गजट में इबादत खाने हुसैनी लिखा हुआ है जी। और इसके जो बाउंड्रीज हैं ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट गजट में हैं वही, उसी का जिक्र ये तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के ऑर्डर में मिलेगा। अब मौजूदा जो इबादत खाना में बन रहा है इसके बाउंड्रीज बदल गए, अब वो बाउंड्रीज बाकी नहीं रहे, चुनाचे दूसरे बाउंड्रीज हैं। ये लो ये देखिए आप, सर्वे रिपोर्ट है ये सर्वे, जब ये बच्ची ने बताया तो सब परेशान हो गए, सब पेपर्स आए कहाँ से, आसमान पे से उतरे जी, जबकि ये देख रहे हैं आरटीआई के थ्रू ये पेपर्स निकाले गए हैं जी। अब देखिए ये सर्वे रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि नाम और वो महल वकूफ जायदाद वक्फ इबादत खाना है दारुल शफा, इसका डोर नंबर है 22-2638 तब 22-2643, ये डोर नंबर है जी। और अगराज व मकासद वक्फ या दीगर तफसीलात जिनसे अगराज वक्फ का इजहार हो सके, इस कालम में लिखा हुआ है कि नमाज, मजाली से अज़ा, जश्न व आमाल वगैरह, यानी इसमें सराहत कर दी गई है कि किस चीज़ के लिए, अगराज मकासद क्या है, मंशा करने वाले का मकसद क्या था, तो चुनाचे नमाज, मजाली से अदा, जश्न व आमाल वगैरह। फिर कह रहा हूँ मैं कि हमको नमाज से इनकार नहीं है, अगर नमाज से इनकार होता तो हम आप ही से लड़कर नमाज के लिए इबादत खाना ना लेते, एक बार नहीं कई बार कोर्ट को जाना पड़ा, नमाज से तो आप लोग रुकते हैं, ये दलील दे रहा हूँ मैं, जब रोकने की बुनियाद पर हमको कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट जाकर आर्डर लेकर आए, ये नमाज से आप रुकते हैं और फिर पूछते हैं कि आपकी मस्जिद कहाँ है, वाह ये तो बात ऐसी हो गई, तख्त ले लिए और पूछ रहे हैं तख्त पर आप क्यों नहीं बैठे जी। और चुनाचे अब फिर इसमें अहम तरीन चीज़, मुतवलियों के तकरूर का अख्तियार किसे हासिल है, अगर दस्तावेज वक्फ में इसकी सराहत न हो तो जी, और मुतवलियों के नाम वगैरह वगैरह, तो इसमें लिखा हुआ है कि इंतज़ामी कमेटी इबादत खाना, इंतज़ामी कमेटी इबादत खाना, इस पर यह नहीं लिखा हुआ है मुतवली कमेटी, काश कितना सोच लेते होते कि जो हजरात इसको वक्फ किए हैं कि वो गुज़र गए, हम उनकी औलाद ना, बेटे के बेटे कुछ नहीं हैं, तो कितनी बुरी बात है, तो सोचें आप ये बात कहाँ तक जा रही है, वक्त बढ़ जाएगा वरना मैं बताता मुतवली किसको कहते हैं, तो चुनाचे वो करें मुतवली। और वक्फ एक्ट में मुतवली कमेटी का कोई एक्ट ही नहीं है, हाँ मैनेजिंग कमेटी हो सकता है, मुतवली हो सकता है, मुतवली कमेटी नहीं है, मगर ये लिखते हैं। अब इसमें अहम तरीन बात, ये आप लोग आवाम तक पहुँचाएँ, जो मोमिनीन हैं इंशाल्लाह समझ जाएंगे जी। तो चुनाचे
ये देखें इसका पेज नंबर 4 है, आखिरी पेज है जी, ये ले लीजिए आप, कवर कर रहे हैं, लीजिए आप जी। हज़्ब फैसला मददगार कमिश्नर साहब जी, क़ानून इन ब्रैकेट मौर्रिखा 31 जुलाई 68, मिसल नंबर 282/CU-111/68। इसमें लिखते हैं कि मकान नंबर 22-2-636 और 22-2-637 गैर वक्फ है, गैर वक्फ है, और इसका इबादत खाने दारुशफा हैदराबाद से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पता चला 636 और 637 ये क्या है, गैर वक्फ है। मगर अब जो इबादत खाने की तामीर हो रही है उसमें 22-2-636 और 637 शामिल कर दिया गया है, ये दोनों। हमारा ये मुतालबा है कि इसको पहले दर्जे औकाफ करें, दर्जे औकाफ कर कर आप तामीर करें। और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चाह रहा है कि आपस में लड़ लें जी, वो डिवाइड एंड रूल, वो कुछ जरासीम में ब्रिटिश छोड़ कर गए हैं उसी पर ये लोग अमल कर रहे हैं जी। ये भैया हो गया, अब देखिए अहम तरीन चीज़ नक्शा था यहाँ पर, नहीं वो दीजिए नक्शा दीजिए, वही 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 भाई, आइए ज़रा कुछ ठहरिए, पकड़ के ये पकड़ो, ये देखिए इबादत खाने का नक्शा है ये जी। ये तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से अप्रूव है, परमिशन इस अटेस्टेड, ये इसको अटेस्टेड किया है तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड। ये देख सकते हैं आप पीछे, ये देखिए आप जी। अब ये भी कहाँ से आया, आसमान से आया जी। पहले सब मालूमात कर कर इनको बैठना चाहिए, बगैर मालूमात के कर क्या मालूमात हासिल करें, जिसको शरीयत के मालूमात नहीं जी, शरा से नावाकिफ है। ये पैगंबर इस्लाम ने क्या शरा दी थी, अगर वो पैगंबर इस्लाम की शरा पर अमल करते होते तो अपनी शरा ना बनाते जी। ये देखिए अब आप यहाँ पर, यहाँ लिखा है इबादत खाने हुसैनी परपोज मॉस्क बिल्डिंग, यहीं से बस ये झगड़े का आगाज़ हुआ जी। ये लिख रहे हैं ये मॉस्क बिल्डिंग, फिर उसके बाद यहाँ पर ये लिखते हैं कि 2030 गज का ये परमिशन है, कितना 2030 गज का परमिशन मिन जानिब वक्फ बोर्ड है, जिसमें 636 और 637 दोनों मिला दिए। जब मिला दिए हैं तो पुरानी गजट का हवाला नहीं देना चाहिए था, नई गजट का हवाला देना था, क्योंकि पहले गजट आए, गजट में ये दोनों डोर नंबर जो है वो उसको दर्जे औकाफ करना चाहिए था, उसको दर्जे औकाफ नहीं किया गया। ये हो गया, अब देखें अब आप, ये इबादत खाने की ये साइड है जी। अब पता नहीं ये कब कहेंगे कि साइड बना लिए जी, क्योंकि मुश्किल है भाई लोगों से, बराए करम ज़बान पे लगाम दे तो बेहतर है, कहीं आइंदा ऐसा न हो कि अरे देखो ये फलां की लड़की थी नहीं जौजा बना लिए जी। ये लो पकड़ो जरा, छोड़ दो अभी मैं बता रहा हूँ, पलटो ये देखिए आप, ये मैप है जो अब इबादत खाना तामीर हो रहा है, इबादत खाने की साइट पर आपको ये मिल जाएगा, ये जो इबादत खाना है जी, इसमें सेलर ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर, ये तीनों फ्लोर्स का जो है ना ये नक्शा है। इसमें लिखते हैं टोटल आपके एरिया इसका, यानी ये देखिए टोटल एरिया
2600। परमिशन कितना है? 2030। इबादत खाने की साइट पर 2602.01। हमारा सवाल है कि जो 600 गज है, ये दर्जे औकाफ किए या नहीं किए? तो बग़ैर दर्जे औकाफ किए जब इबादत खाने में आ गए, उसकी मिसाल दूँ कि पाकिस्तान जी और हिंदुस्तान का बॉर्डर है, पाकिस्तानी अगर हिंदुस्तान में आ जाए तो हिंदुस्तान का कानून लागू होता, पाकिस्तान का नहीं। जब आप हमारी बाउंड्री में दाखिल हो गए वक्फ जायदाद में, अब आपको वही कानून लागू होगा जो मंशाए वक्फ में है, आपका कानून नहीं चलेगा। तो 2600 जी। अब देखें बाप, इसके अंदर कुछ ये वो बनाए हैं कि प्लॉट नंबर ये इसका ABCDEF। तो मेरा सवाल है कि ये इतने प्लॉट कैसे हो गए? ये एक प्लॉट था या कई कई प्लॉट हो गए? तो इसमें एरिया लिखा हुआ है, तो ये तमाम के तमाम जितना भी प्लॉट्स हैं उसको दर्जे औकाफ नहीं करें। और ये जो बेचारे चैनल पे बैठे हैं अमामे सर पे बांध कर, किसी चीज़ से वाकिफ ही नहीं है। पहले उनको चाहिए था कि जिसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं उनसे मुलाकात करना जी, मुझसे मुलाकात करके पहले पूरे डिटेल्स लेते। डिटेल्स लेने के बाद आप बैठ कर अब देखते कि इबादत खाने की ताईद में बात करते हैं या हक़ की ताईद में बात करते हैं, क्योंकि दोनों में फ़र्क है। अभी हटा दीजिए, ये लो ये हटाओ। अब अहम तरीन चीज़ है वो देखें आप हजरात, देखो नीचे से, हाँ वो नीचे का कटा सबसे नीचे, ये देखिए सामने देखिए, ये मैंने ये सेल डीड निकाली है, ये बेचने वाले कौन हैं और ख़रीदने वाले जी, ये दोनों की मैंने डीड निकाली है। ये इसमें 22-2636, 22-2637, 22-2645 से 22-2650, फिर 22-2664, 22-2665, 22-2667, यानी इतने पेपर्स मैंने निकाले हैं। ये तमाम ये आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स जो अथराइज हैं, ये मैंने सारे के सारे जमा किए हैं। इनके इसमें आधार कार्ड है, हर चीज़ मिलेगा आपको, ये तमाम चीज़ें डिटेल्स मैंने निकाली है। ये देखिए आप, ये एक सेल डीड है जी, ख़रीदने वाले कौन, तो चुनाचे अब ये जो इबादत खाना है इसके मालिकीन एक तो चले गए कैप्टन हाजी साहब, क्योंकि 22-2636 और 637 उनके नाम पर था। अगर अब उनके बच्चे दावा डाले, ये तो हमारे डैड की ज़मीन है, अब बताइए अब आप डाल सकते हैं कि ये मेरे वालिद की ज़मीन है, ये पेपर्स हैं जी। दूसरी चीज़, 636-637 कैप्टन हादी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे जहाँ भी हैं। तो और फिर दूसरी जो जायदादें हैं, मीर फैयाज़ अली साहब, जो मीर फैयाज़ अली साहब हैं, ये फैयाज़ अली साहब जायदाद ख़रीद कर हसनैन साहब के नाम पर किए, वो भी इसी में मिल जाएगा रिकॉर्ड जी। फैयाज़ अली साहब और हसन अली साहब दोनों भाइयाँ हैं। अब देखना ये है कि फैयाज़ अली साहब ख़ुद ख़रीदे या हसनैन साहब ख़रीदवा कर अपने नाम पर किए, गिफ्टेड है। फैयाज़ अली साहब गिफ्ट किए हैं हसनैन साहब को जी। फैयाज़ अली साहब के नाम पर दो प्लॉट हैं, हसनैन साहब के नाम पर एक प्लॉट है, और डॉक्टर असद साहब जो अमेरिका में है कैप्टन हादी साहब के
ब्रदर हैं, भाई हैं, उनके नाम पर एक प्लॉट है। ये सारे के सारे जो प्लॉट्स हैं इन्हीं के नाम पर हैं और आप इबादत खाने में उसको शामिल कर दिए। अब इबादत खाने में शामिल कर कर कह रहे हैं कि नहीं मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद है। बेहतर ये होता कि आप तामीर से पहले इसका पार्टीशन कर लेते। इसका पार्टीशन करके जो आपका एरिया है 600 गज, जो भी आपका 600 से कुछ कम है, तो उतने गज पर आप मस्जिद बना लेते तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। अगर हम उस वक्त ऑब्जेक्शन करते तो लानत के काबिल हो जाते, हम मुस्तहक लानत हो जाते हम। तो चुनाचे आप क्या किए, उसको दर्जे औकाफ नहीं कराए। दर्जे औकाफ कराए बगैर इबादत खाने में दाखिल हो गए, अब आप पर वही कानून लागू होगा जो इबादत खाने का कानून है। बस ये हकायक आप हजरात तक पहुंचाना था, मैं पहुंचा दिया। ये जो चैनलों पे बैठ रहे हैं ये सब नावाकिफ़ हैं, इनको कुछ नहीं पता है। जैसे कि अभी मैंने अर्ज़ किया कि ये शरीयत से नावाकिफ़ हैं, तो ये एक मसला वक्फ को नहीं समझ रहे हैं तो ये शरीयत क्या समझेंगे। अंदाजा लगाएं आप, पढ़े वक्फ का एक चैप्टर है, पूरा मुकम्मल एक चैप्टर है। अब इसका जवाब नहीं दे सके, जब नहीं देख सके तो कहा चांद का खुर्ब है, मौसम फलकियात की तखलीक करते हैं, वो फलां की तखलीक करते हैं। तो ये बताइए आपके मुश्तहिद साहब किसकी तखलीक करते हैं, क्योंकि वो तो किसी की तखलीक नहीं करते। बखौल आपके एतराज़ कर रहे हैं ना, अखबारी तो वही होता है जो कुरान और हदीस पर अमल करे, खबर पर अमल, खुदा की कसम अखबारी वही है। मौला अली 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 अ